दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों आप लोग सोना तो खरीदते ही होंगे, इसके लिए ज्यादातर लोग जौहरी यानी ज्वेलर्स के यहाँ जाते होंगे, क्यों सही कहा ना। तो अगर आप फिजिकल सोना यानी भौतिक सोना जैसे कि सोने की ज्वेलरी, बिस्किट, सोने के सिक्के से ज्यादा रिटर्न देने वाले और बिना किसी खर्च या रिस्क के सुरक्षित रखे जाने वाले सोने में निवेश करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। इसे हिंदी में सार्वभौम स्वर्ण बॉन्ड कहते हैं। इसे केंद्र सरकार की सलाह पर देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जारी करता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कैसे निवेश करना है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये मैं आपको इस एपिसोड मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं और वो भी आपकी ही भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-2022 की नौवीं सीरीज लॉन्च कर दी है। एक ग्राम सोना के लिए आपको देने होंगे 4,786 रुपए, यानी 10 ग्राम सोना की कीमत होगी 47,860 रुपए। इस कीमत पर आप 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक सोना खरीद सकते हैं, यानी इसमें बोली लगा सकते हैं। योग्य निवेशकों को 18 जनवरी 2022 को स्वर्ण बॉन्ड जारी किया जाएगा। सरकारी स्कीम है इसलिए एकदम सुरक्षित है। हालांकि सोने की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत में भी उतार चढ़ाव संभव है। ऑनलाइन खरीदने या डिजिटल तरीके से भुगतान करने वालों को ये सोना प्रति ग्राम 50 रुपए सस्ता मिलेगा, यानी 10 ग्राम सोना खरीदने पर 500 रुपए की छूट मिलेगी। कहने का मतलब हो गया कि जो निवेशक 10 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक इस स्वर्ण बॉन्ड में निवेश करेंगे उनको 1 ग्राम सोना के लिए देने होंगे 4,736 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोना के लिए देने होंगे 47,360 रुपए। आपको बता दूं कि सोने की फिजिकल मांग को घटाने के लिए, कम करने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की थी। अब सवाल है कि इस सोने में आप निवेश कैसे करेंगे, यानी बोली कैसे लगाएंगे, खरीदेंगे कैसे। तो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़कर ये सोना बैंक, डाकघरों, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपको बता दूं कि ये दो हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री होती है, तो यहां से भी आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिलेगा। ये स्वर्ण बॉन्ड बैंकों से ऑनलाइन भी खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता यानी RDG खाता से भी इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम की वेबसाइट www.rbi.retaildirect.org.in पर जाकर पहले आपको खाता खुलवाना होगा, तो इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे आप खुद से भी खरीद सकते हैं, एजेंट के जरिए भी खरीद सकते हैं, और अगर एजेंट के जरिए भी खरीदेंगे तो आपको कोई कमीशन नहीं देना होगा। इस सोने में निवेश करने वालों को होल्डिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस स्वर्ण बॉन्ड को डीमैट यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप बदलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डीमैट खाता खुलवाना पड़ेगा। 20,000 तक का ही सोना आप कैश में खरीद सकते हैं। ज्यादा की खरीदारी डिजिटल पेमेंट या फिर डिमांड ड्राफ्ट या DD या फिर चेक से आपको करना होगा। इसे खरीदने के लिए जरूरी KYC दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड या पैन या टैन पासपोर्ट जरूरी होंगे। सॉवरेन गोल्ड को रखने में कोई जोखिम या खर्च नहीं है, जैसा कि फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी, सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के वगैरह को रखने में होता है। इसकी एक और सबसे बड़ी खास बात है वो है कि 2.5% हर साल ब्याज भी मिलेगा इस सोने को खरीदने के बाद, और हर 6 महीने पर ब्याज का भुगतान आपके सेविंग्स अकाउंट में कर दिया जाएगा। जिस कीमत पर सोना खरीदा गया है यानी शुरुआती कीमत, उसके हिसाब से ब्याज तय होता है। यानी अगर आपने 1,00,000 रुपए का सोना खरीदा है तो 1,00,000 पर 2.5% हर साल ब्याज आपको मिलेगा, यानी
1 लाख पर 2,500 रूपए आपको ब्याज मिलेगा हर साल, और हर 6 महीने पर ब्याज का भुगतान आपके सेविंग्स अकाउंट में कर दिया जाएगा। यानी एक तरह से कैश फ्लो के लिए इस स्कीम में निवेश करना आपके लिए सही हो सकता है। अंतिम ब्याज मैच्योर होने पर मूल यानी शुरुआती निवेश के साथ आपको मिलेगा। इसकी एक और खास बात यह है कि आप इसको गिरवी रख करके लोन भी ले सकते हैं। आपको कितना लोन मिलेगा, रिजर्व बैंक समय समय पर इस बारे में निर्देश जारी करते रहता है। बॉन्ड खरीदने पर जीएसटी या मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। गोल्ड ईटीएफ के जैसा एनुअल एक्सपेंस चार्ज भी आपको नहीं देने होंगे अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करते हैं तो। इसके अलावा कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति अगर बॉन्ड बेचता है, जिसे तकनीक भाषा में रिडेम्पशन कहते हैं, और मुनाफा कमाता है तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि इस पर मिलने वाले ब्याज पर आपको कर देना होगा। अब सवाल है कि एक वित्त वर्ष में आप कम से कम कितना खरीद सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना खरीद सकते हैं। तो एक वित्त वर्ष यानी अप्रैल से लेकर के मार्च में कम से कम 1 ग्राम सोने के बॉन्ड में निवेश करने की सुविधा मिली हुई है। व्यक्ति या अविभाजित हिंदू फैमिली के लिए एक वित्त वर्ष यानी अप्रैल से मार्च के दौरान अधिक से अधिक 4 किलोग्राम, जबकि ट्रस्ट या उसके जैसे दूसरे संस्थान के लिए 20 किलोग्राम के बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति मिली हुई है। ये बॉन्ड 8 साल में मैच्योर होगा, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद आप उसे बेच सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर कभी भी मार्केट भाव पर आप इसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च हो रही है, 10 जनवरी से 14 जनवरी तक आप इसमें बोली लगा सकते हैं, और योग्य निवेशकों को 18 जनवरी को अलॉट किया जाएगा सॉवरेन गोल्ड स्कीम। सरकारी कीमत पर अभी आप इसको खरीद सकते हैं, और बाद में आप स्टॉक एक्सचेंज से मार्केट भाव पर भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।